बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आज वडोदरा में मध्य जोन की बैठक मिली थी, जहां गुजरात कांग्रेस मध्य जोन तमाम होद्देदारों हाजर रही आगामी विधानसभा की चूंटणी की रणनीति अंगे चर्चा की। आ बैठक बाद जगदीश ठाकुर और रघु शर्माए आगामी चूंटणी में कांग्रेस पार्टी ने जीत दावो करो, जेमा जगदीश ठाकुरे आ चूंटणी में कोईपण पार्टी साथ गठबंधन इनकार कर्यो हतो। तेमणे कह्युं हतुं के आ चूंटणी में अमारु लक्ष्य 125 बैठकों जीतवानुं छे। तो रघु शर्माए भाजप पर प्रहार करता कह्युं हतुं के सरकारे पहला पेट्रोल डीजल भाव में वधारो कर्यो, परंतु हवे ज्यारे इलेक्शन आवी रह्युं छे माटे चूंटणी लक्षी निर्णय लेवामां आव्यो छे, जेथी करीने अमे भाजप ने लोको वच्चे एक्सपोज करीशुं। एक तरफ हमने आदिवासी सत्याग्रह का प्रोग्राम शुरू किया है, 10 मई को दाहोद से उसकी लॉन्चिंग की है, राहुल गांधी जी ने आके लाखों की संख्या में आदिवासी उस कार्यक्रम में आए हैं। गुजरात परिवर्तन मांग रहा, गुजरात के आम आदमी आज महंगाई से दुखी है, अब बीजेपी चुनाव की दृष्टिकोण से वैट में कमी कर रही है। वैट का मतलब कमी करने का क्या है, इसका आधा भार राज्यों पर भी पड़ेगा, उनको जो केंद्र का हिस्सा था उसमें से कम करना था। अब ये कोविड से निकले हैं पूरे राज्य, आर्थिक परिस्थिति राज्यों की ठीक नहीं है, ये जो इलेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है बीजेपी की, इसको भी हम एक्सपोज करेंगे। महंगाई के खिलाफ हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो, चाहे और मुद्दे हो, गुजरात में पूरी कांग्रेस ताकत के साथ एकजुट। उदयपुर डिक्लेरेशन ना संगठन ना जो मुद्दाओ आया छे ऑल ओवर इंडिया नी अंदर कांग्रेस मंडल सुधीना एना संगठनों लई जवानी छे। इलेक्शन स्टेट गुजरात छे एटले एना जुदा कार्यक्रमों आवी रह्या छे अने बधानी चर्चा विचारणा करी चारे जोन में 23 तारीख सुधी में अमारा कार्यकरो साथे बैठको करी अने समयबद्ध केलेंडरबद्ध कार्यक्रमों नक्की करीशुं अने कार्यक्रमों मुजब 2022 नी तैयारी करीशुं। केटली सीटोनी अपेक्षा राखो? 125 प्लस करीने आगळ वधशे। पार्टी साथे कोई गठबंधननी? कांग्रेस चूंटणी लड़े छे, 2022 नी तैयारी करे छे अने ताकातथी डंकानी चोट चूंटणी लड़शे।